तो पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना के 43,393 नए केस सामने आए। देश में बीते 24 घंटे के अंदर 911 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में इलाज के बाद 44,459 लोग ठीक हुए हैं। बीते दिन देश के अंदर 40,23,173 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ और अब तक का करीब 36,89,91,222 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो ये देश के हालात हैं आंकड़ों के लिहाज से। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 13,000 से ज्यादा बीमार पाए गए हैं। ये तमाम अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है, लेकिन 24 घंटे में पूरे देश को अगर समाप्त करके देखा जाए तो 43,393 कोरोना के केस सामने आए और 911 लोगों की मौत हुई है। यानी कि कोरोना अभी टला नहीं है। लगातार दूसरी लहर का जो खतरा था वो कम तो हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। अगर एक दिन में लगभग 43,000 मामले सामने आ रही हैं, 44,000 मामले सामने आ रही हैं, तो ये बताता है कि तीसरी लहर ने अगर जोर पकड़ा तो वो इससे ज्यादा भयावह हो सकती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री को इस बात को कहना पड़ा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। देश की आबादी, देश की जनता को ये समझना चाहिए कि कोरोना पहले से भी ज्यादा भयावह तस्वीर अख्तियार कर सकता है। महाराष्ट्र और केरल के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि महाराष्ट्र और केरल में एक बार फिर से इजाफा देखा जा रहा है।